Enjoy the meet. पीछे ना ये ले, अपने हाथों से पहना। डैड, इसकी क्या जरूरत थी? मॉम। हाँ पापा, ये सब क्यों? ओ पुत्र, तुझे मिल रहा है, इसे नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए चिढ़ रहा है, चलन हो रही है। और तू चिंता मत कर, ये सब होता है। और चल खोते दे पुत्र, है ना? अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया तो? किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके ये वाली पक्का मेरे लिए होगी। ये सारे डिजाइन्स कर लिया है। मुझ पे शक करना चाहती हूँ। तुमने अपने मन में एक धारणा बना ली है, तुमने ठान लिया है कि मैं खराब आदमी हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियों के साथ दोस्ती करता हूँ, उनके साथ फ्लर्ट करता हूँ, यही मेरा काम है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं क्या करूँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ। मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ, वो तुम्हारे ऑफिस में जो काम करती है प्रतिमा, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है सिद्धार्थ यहाँ पर। ओए खोते दे पुत्र, मैं क्या पहना ना? माँ, आप कंगन पहनाएंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। जी माँ, अब आप आई गई हैं तो शाम तक रुकेंगी ना? मेरा पहला करवा चौथ है तो मुझे कुछ पता भी नहीं है। रोशनी बिल्कुल सही कह रही है, आप दोनों आज यहीं रुक जाइए ना, हम सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो ना, मैं सब कुछ तुम्हें सिखा दूंगी। माँ ये क्या बात हुई, अभी आप आई गई हैं तो शाम तक क्यों नहीं रुक सकती हैं? अच्छा ठीक है, आप शाम को तो आएंगी ना? आऊंगी। और तू शाम को जल्दी आना, पता चला कि चांद डूबेगा, सूरज निकलेगा और ये ऑफिस में ही बैठा रहेगा। और सही कह रही तेरी माँ, आज कुछ गड़बड़ मत करना। माँ मैं तो टाइम पे तैयार हो जाऊंगी, पर किसी और की गारंटी नहीं ले सकती है। माँ खिलाइए ना, शाम तक भूखा रहना है। और पता है, कोई और फिक्र करे ना करे, मैं तो अपनी खुद की फिक्र कर ही सकती हूँ ना, यू नो।
ले एक बार। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, क्या सही है क्या गलत इसको कुछ दिखाई नहीं देता। अरे खुलेआम उसे धोखा दे रहा है और उसी के नाम का स्टुपिड करवा चौथ मना रही है, बेवकूफ हो गई है लड़की। ये स्टुपिड व्रत नहीं है दुर्गा, हर शादीशुदा लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है। तूने भी तो ये व्रत रखा था, भूल गई। हालांकि मैं वो सब बातें तुझे याद दिलाना नहीं चाहती हूं, बल्कि सिर्फ ये कहने आई हूं कि आज तेरी बेटी का पहला करवा चौथ है। अपने घमंड में आकर अपनी बेटी की जिंदगी के ऐसे कितने स्पेशल मोमेंट्स तू मिस करेगी। हाँ देख दुर्गा, देख, तू इस वक्त सुबह में उठकर यहां बैठी है ना, तो सिर्फ दो मिनट के लिए अपनी अकड़ को भुलाकर अपनी बेटी की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती है। और फिर कब तक चलेगा ये सब, तू जानती है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है। मां मैं जानती हूं ये दिन कितना इंपॉर्टेंट है। पहले हम अपने पति के लिए सब कुछ करते, फिर वही पति सब कुछ भुलाकर हमारे प्यार की धजियां सरेआम उड़ाने लगते हैं। वो सब तकलीफ होती है ना माँ, बहुत तकलीफ होती है। आज वो खुश है, हंस रही है, कल जब वो उसे धोखा देगा तब। अब तक तो वो तुझे मात देता है आया है, और इस बार भी तेरी बेटी तुझे गलत साबित करेगी। मान मेरी बात, मेरा दिल ये कहता है। ठीक है माँ, देखते हैं। वैसे भी असली शादी तो कुछ सालों के बाद ही शुरू होती है ना, डरती हूँ उस वक्त क्या जवाब देंगी आप रोशनी को। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये शादी नहीं टिकने वाली। बेवकूफ और बेखबर लोग आंखें बंद करके खुश रहते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि आपकी नातिन में दोनों ही गुण है, बेवकूफ भी और बेखबर भी। यू नो व्हाट माँ, आप जाइए ना, एटलीस्ट आप तो उसकी खुशियों में शामिल हो जाइए, मुझे सोने दीजिए प्लीज। रोशनी, रोशनी, रोशनी बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ, क्या है, मुझे बता तो सही, कोई टेंशन है? नहीं बुआ, कोई टेंशन नहीं है। देख रोशनी, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे ना तेरे चेहरे से सब कुछ पता चल जाता है। कल से देख रही हूं तू बहुत बदली बदली लग रही है, हुआ क्या है, टेंशन क्या है, मुझे बता दे। हुआ, एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, और उसका जो पति है वो उसे झूठ बोल रहा है, उसे धोखा दे रहा है, और कुछ और भी हो सकता है, आपको क्या लगता है? रोशनी, तो औरों की टेंशन क्यों ले रही है? एटलीस्ट आज के दिन तो कोई टेंशन मत ले। अच्छा एक काम कर, तो अपनी सहेली को बोल कि वो अपने पति से बात करे, कई बार सिर्फ बातें करने से ही ना लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स लग जाती है। नहीं बुआ, मैंने बात करके देखी है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉर्ट आउट करूंगी। जा रही बुआ, वो एक्चुअली मैं अपने एनजीओ के बच्चों से मिलने जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए उनसे मिली नहीं, मैं टाइम पे वापस आ जाऊंगी। ओके बाय। मगर बाय।
भूख के मारे वाट लगी हुई है मेरी। अरे यार, ऐसा लगता है जैसे इस घड़ी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। इतनी क्या स्लो चल रही है। ये क्या कॉन्सेप्ट है यार। मियां बीवी एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, किसी दिन भूख के मारे निपट गए तो। रोशनी से फोन करके पूछता हूँ कि उसके क्या हालचाल है। ये भी तो एक अलग ही मुद्दा है। दो दिन से मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही है। फोन भी करूं कि नहीं, कर ही लेता हूं। हेलो हेलो बेबी, हाउ आर यू डूइंग? क्या हालचाल? ठीक हूँ। आई होप कि तुम आराम कर रही हो। सिद्धार्थ, मैं एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर निकली हूँ, बाद में बात करते हैं। बाहर? रोशनी कमाल करती हो तुम। तुम्हारा पहला करवा चौथ है, तुमने कुछ खाया नहीं है सुबह से, कुछ हो गया तो? और एक तो वैसे ही भूख तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। लेटर सिद्धार्थ। हेलो, बाय। रोशनी, एक्सक्यूज मी, आपको ये एड्रेस पता है क्या? थैंक यू। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। डीडी के आशीर्वाद से डीडी ने आज लंच का इंतजाम किया ऑफिस में, क्योंकि इस क्वार्टर में सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इसीलिए डीडी चाहती है आप सबको ट्रीट दी जाए। ओके, तो सब लोग आप लंच का आनंद उठाएं। सिड, डीडी के आशीर्वाद से आप भी आइए। खाना अच्छा है? आता हूं भाई। यार, आज को ही दिन मिला है ने ट्रीट देने को। क्या भूख के मारे मेरे तोते हरे हुए पड़े। आप खाना नहीं खा रहे हो, क्या बात है? सर, वो क्या है ना कि मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। आप ज्यादा डिटेल में मत घुसिए, नहीं तो आप भी नहीं खा पाएंगे। एंजॉय द फूड। अरे जाने दीजिए सिद्ध बाबू, बरसों का तजुर्बा है, आपने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। बोल दीजिए अगर गलत कह रहा हूं तो मैं। हम लोग अपने खाने पे ध्यान देंगे तो जरा बेहतर होगा, और जिन्हें खाना नहीं खाना वो जा सकते हैं। Enjoy the meal, everybody. कुछ खा नहीं रहे हो? व्रत रखा है ना? अच्छा, तुम मंदिर कब तक आ जाओगी? हम मंदिर में मिलेंगे। हाँ, of course. वो जो दुर्गा माता का मंदिर है साउथ मुंबई में, वहाँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। लेकिन अब तुम कैसे आओगे? अब कुछ करूंगा, आना तो पड़ेगा ही।
अच्छा प्रतिमा, कल के लिए आई एम सॉरी, मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि रोशनी वहां चली जाएगी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया ना, बस भूल जाओ उस बात को। लेकिन सर हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी सच्चाई किसी के सामने ना आए। इस लोफर की वजह से मेरी बच्ची भूखी बैठी रहेगी और ये चौल की लड़की के साथ करवा चौथ मनाएगा। आज दुर्गा के मंदिर में दुर्गा इनके अफेयर की असलियत सबके सामने लेकर आएगी। सुंदर जाकर और मिठाइयां ले आ। बड़ी मॉम, कब होगी रात, कब निकलेगा चांद, बहुत भूख लग रही है। मोना तू आरती की थाली तैयार कर। रेशम तुझे हमेशा भूख लगी रहती है ना, रात भी हो जाएगी चांद भी निकल आएगा, जब देखो भूख ही लगी रहती है इसको, सबर कर। ये रोशनी कहाँ रह गई? नानी रेडी। ठीक लग रही है ना? सुंदर तू ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे ज्यादा मिठाई लाने को कहा, तू ये सब सामान उठाकर कहाँ ले जा रहा है? माँ सुंदर को अपना काम करने दीजिए, मैंने ही उसे कहा है सामान गाड़ी में डालने के लिए। आज करवा चौथ हम दुर्गा मंदिर में मनाएंगे। माँ वैसे भी घर पे स्टाफ बहुत कम है और रोशनी का पहला करवा चौथ है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमी रह जाए। चलिए अब मुझे काम है, आपको सीधे मंदिर में ही मिलती हूँ मैं। अच्छा ठीक है। क्या हुआ सेक्सी, डीडी ने फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी की? नहीं, उल्टा त्योहार मनाने के लिए डीडी ने और अच्छी अरेंजमेंट कर दी है। पास का दुर्गा मंदिर है ना, वहां। हाँ बना दिया होगा फिर से कोई प्लान। एक काम कीजिए ना, आप बुआ को लेके चली जाइए, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा पहला करवा चौथ है और मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहती। नहीं बेटा, कल रात को मैंने दुर्गा को बहुत खरी खोटी सुनाई, शायद उसी का नतीजा है ये। तेरी माँ सब कुछ ठीक करना चाहती है ना, तू क्यों बिगाड़ना चाहती है? चल ना बेटा मेरी खातिर। चलो चलो ना, सब लोग जल्दी चलो, इससे पहले कि मैं मून्स को ही मिस कर जाऊं और मुझे भूखा सोना पड़े। बड़ी मॉम रोशनी, चलो जल्दी चलो। चलना बेटा, जाते जाते मिस्टर और मिसेस कुकरेजा को भी बता देंगे कि कहाँ आना है। चलना बेटा। ओह ग्रेट, तुम निकल ही रहे हो तो चलो हमारे साथ चलो, मैं डायरेक्टली वेन्यू ही जा रहे हैं। मैं तो घर जा रहा था। करवा चौथ का वेन्यू बदल गया है, दुर्गा मंदिर में करवा चौथ मनाएंगे। चलो साथ ही चलो तुम हमारे। अच्छा तुम मंदिर कब तक आ जाओगी? हम मंदिर में मिलेंगे। हाँ वो जो दुर्गा माता का मंदिर है साउथ मुंबई में, वहाँ। ठीक है मैं आ जाऊंगी। दुर्गा मंदिर, आज अपनी बेटी की जिंदगी से तुम जैसे लड़के को निकाल कर ही रहूंगी मैं। तुमने मेरी बच्ची की पीठ पीछे उस दो कौड़ी की लड़की प्रतिमा के साथ अफेयर करके बहुत बुरा किया, आज पीछा छूटेगा तुमसे हम सबका। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या?
हाँ सब 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 ठीक है। तो फिर जल्दी कदम बढ़ाओ ना, कम अलॉन्ग। चलिए चलिए दीदी के आशीर्वाद से। चलिए चलिए।